ईमानदार लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तकलीफ ठीक हो जाएगी क्योंकि उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया। लेकिन कुछ लोगों को इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि उनका पैसा गलत तरीके से कमाया गया है, और इसीलिए नोटबंदी हुई है ताकि आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो और सिस्टम से ये काला धन की क्लेंजिंग पूरी तरीके से हो जाए, ये बता रहे नरेंद्र मोदी। और काले धन को किस तरीके से लेकर उन्होंने अपना चुनावी वायदा पूरा किया, कितने चैलेंजेस आए, ये उन्होंने गाजीपुर की परिवर्तन यात्रा में जनता को संबोधित करते हुए बताया। 2014 के चुनाव में पूरा बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद न करता तो भाइयों बहनों न कोई भ्रष्टाचारियों को चिंता होती, न काले धन वालों को चिंता होती। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मेरा निर्णय जरा कड़क है, और मैं जब छोटा था ना तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है, आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताए, आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है, और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1,00,000 रुपया दो वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के करोड़ों लोगों से जेल कूमत बंद कर देंगे इस नाम से करोड़ों रुपये एक्ट लिए थे आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिए, आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था, आपने पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। अरे कोई बोले भी तो भी उसको जेल के दरवाजे दिखाई दिए थे। और किस काम के लिए? क्या ये सारा काम आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया था? क्या आपने गरीबों की भलाई के लिए किया था? देश को याद है इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया,
तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया था। मुझे पूछे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन देश के लिए गांव के लोग भी इसे सहने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, घर में शादी हो, बारात आने वाली हो, धूमधाम से शादी करनी हो, बच्चा भी शहर में थोड़ा कमाने लगा हो, तो अपना भी मन करता है कि घर की दीवारों पे जरा अच्छा कलर वलर लगवाएं। लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? अगर कलर लगवाते हैं, अच्छा करने के लिए लगवाते हैं ना, लेकिन उस कलर की गंध हफ्ते 10 दिन तक रहती है कि नहीं रहती है? वो कलर की गंध के कारण रात को नींद खराब होती है कि नहीं होती है? लेकिन चूंकि बारात आने वाली है, इसलिए हम दीवार पे से गंध आने के बावजूद भी अच्छे कलर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हाँ, इरादा नेक होना चाहिए। मेरे प्यारे गाजीपुर के भाइयों बहनों, ये जो मैं कर रहा हूं, आप मुझे ताली बजा करके जवाब देना, ये जो मैं कर रहा हूं देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए कर रहा हूं, गरीबों की भलाई के लिए कर रहा हूं, गांव की भलाई के लिए कर रहा हूं, किसान की भलाई के लिए